Good morning, children. Welcome to the class of English. Now, today, students will revise Unit 2, Revision. Right? Unit 1 ka revision last week kiya. This week, we will begin our Unit 2, The Yellow Butterfly. Unit 2 kaun sa tha jo humne kiya tha? Unit Yellow Butterfly. To chalo, pehle se kuch wapis revision kar le. कि बटरफ्लाई के बारे में कुछ फैक्ट्स हम जान लेते हैं. क्या जान लेते हैं? फ्यू फैक्ट्स. फैक्ट्स अबाउट अ बटरफ्लाई, मतलब कि जानकारी कुछ ज़्यादा. विंग्स आर ट्रांसपेरेंट. अब बटरफ्लाई की जो विंग्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं. कैसे होते हैं? जिसे हम आर पार देख सकते हैं वैसे कलरफुल होते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट होते हैं. टेस्ट विद फीट. वो जो टेस्ट करता है वो फीट से करता है, उसके पैर से करता है. इनटेक ओनली लिक्विड फूड. सिर्फ लिक्विड फूड खाता है और उसका जो फूड है वो नेक्टर है, फूलों का रस, और उसको फूलों का रस ही पसंद है, उसको वो फूलों का रस ही खाता है. कैनॉट फ्लाई इन कोल्ड वेदर. कोल्ड वेदर में वो फ्लाई नहीं कर सकता है. इट टेक्स 7 to 10 days टू बिकम एन एडल्ट बटरफ्लाई. 8 से 10 दिन लगते हैं उसको बटरफ्लाई बनने में. देखो, ये आपकी बुक में स्टेजेस दिए हैं बटरफ्लाई के, कि फर्स्ट इट इज जस्ट एन एग. ये छोटा सा एग दिख रहा है आपको. बटरफ्लाई पहले एक छोटा सा एग होता है, राइट? फिर कुछ दिन के बाद ये सेकेंड स्टेज आता है, ऐसा ईयर जैसा दिख रहा है. उसको कैटरपिलर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? देखो, ऐसे ईयर जैसा है ना, देखो कैसा है, कैटरपिलर. ऐसा ये सेकेंड स्टेज में कैटरपिलर बन जाता है. दैट इज द सेकेंड स्टेज. फिर थर्ड स्टेज में पूपा इन क्रिसलिस वेयर इट ग्रोज विंग्स. देखो, पूपा, उसका धीरे धीरे उसका पूपा डेवलप होता है. क्या होता है डेवलप? उसके ऐसे पंख ऐसे डेवलप होते हैं, उसके बाद उसका शेप आता है. देखो, ये बीच में कैटरपिलर है एंड दिस इज द पूपा आसपास. उसके बाद हो गया एंड देन फाइनली कम्स द बटरफ्लाई. देखो, ये सनफ्लावर के ऊपर बटरफ्लाई बैठा हुआ है. तो ये जो प्रोसेस है फ्रॉम एग टू बटरफ्लाई 4 stages में होती है, जो 8 से 10 दिन के अंदर बटरफ्लाई पूरा बन जाता है, राइट? कलरफुल डिफरेंट बटरफ्लाइज. ओके, सो दिस इज अबाउट द बटरफ्लाई. नाउ लेट अस लुक अपॉन द लेसन ऑफ बटरफ्लाई, द येलो बटरफ्लाई. कि क्या है लेसन में? तो द येलो बटरफ्लाई फ्लू ऑन सोनू'स गार्डन. सोनू करके एक लड़का है, उसके गार्डन में ये येलो बटरफ्लाई उड़ रहा था. सोनू सॉ द बटरफ्लाई. अब जब भी हम बच्चे बटरफ्लाई देखते हैं तो क्या होता है? उसको पकड़ना चाहते हैं, राइट? उसको हम पकड़ना चाहते हैं, पर बटरफ्लाई कभी हाथ नहीं आता. तो सोनू को भी गार्डन में बटरफ्लाई था जो उड़ रहा था, तो उसको भी पकड़ना था बटरफ्लाई. तो स्लोली स्टडीली वो बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए स्लोली और साइलेंटली. देखो, अगर आप जल्दी से जाओगे आवाज़ करते हुए तो बटरफ्लाई उड़ जाएगा. तो एकदम स्लोली और साइलेंटली आवाज़ किए बिना सोनू उसके नज़दीक जा रहा था. केम क्लोजर एंड क्लोजर, स्टिल क्लोजर, बट देन ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई. पर फिर भी बटरफ्लाई उड़ गया. वेयर डिड द बटरफ्लाई गो? फिर वो ढूंढने लगा कि बटरफ्लाई उड़ के कहाँ चला गया. नियर द गार्डन वॉज अ पॉन्ड. अब गार्डन था, उसके पास में एक पॉन्ड था. क्या था? छोटा सा खाबोचिया जैसा बोलते हैं ना, जिसको जहाँ पे थोड़ा सा पानी भरा होता है, वैसा पॉन्ड था. इन अ पॉन्ड वॉज अ वाइट लोटस. पॉन्ड के अंदर क्या होता है? वाइट लोटस था, मतलब बड़े बड़े पत्तों में लोटस है. वो पानी के अंदर ही उगते हैं, लीफ के ऊपर तैरते हैं, राइट? अराउंड इट ग्रू अराउंड लीव्स. तो वाइट बटरफ्लाई था, वाइट लोटस था. क्या था? पॉन्ड में वाइट लोटस थे. अराउंड इट ग्रू राउंड लीव्स, दे फ्लोटेड इन वाटर. तो वो तैर रहे थे, बड़े बड़े जो गोल गोल पत्ते होते हैं लोटस के, उसके ऊपर वाइट लोटस वो पॉन्ड में फ्लोट कर रहा था. तो बटरफ्लाई वहाँ जाके चला गया. जो येलो बटरफ्लाई था सेट ऑन द फ्लोटिंग लीफ. जो पॉन्ड के अंदर वो बटरफ्लाई था, पॉन्ड के अंदर जो लोटस था लीफ के ऊपर, वहाँ वो लीफ में वो फ्लोट कर रहा था. सोनू वेंट,
स्प्लैश इनटू द वाटर एंड ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई। सोनू जैसे ही वहाँ पे गया पानी के पास, जैसे उसने वाटर स्प्लैश किया, बटरफ्लाई वापस उड़ गया। वेयर वॉज इट? सोनू लुकड अप, ही लुकड डाउन, नियर द वॉल वॉज अ चंपक ट्री। बराबर, फिर क्या हुआ, वापस दूसरी बार उड़ गया। तो सोनू वॉज लुकिंग, सब जगह देख रहा था कि नाउ वेयर बटरफ्लाई वेंट। तो दूर वहाँ पे वॉल, बहुत बड़ी दीवार थी, दीवार के पास एक चंपक का ट्री था, चंपा का ट्री था। तो वहाँ जाके वो, इट हैड वाइट फ्लावर्स, चंपा के वाइट फ्लावर्स होते हैं ना, वो फाइव पीटल्स वाले, बराबर। तो वहाँ पे चंपक ट्री था, वहाँ पे बटरफ्लाई जाके बैठ गया। ऑन अ प्रिटी वाइट फ्लावर, आई कैन कैच यू, शाउटेड सोनू। ही क्लाइम्ड अप द ट्री, अप अप ही क्लाइम्ड। फिर वो चंपक ट्री के ऊपर चढ़ गया बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए। पर जैसे ही ऊपर चढ़ा, बटरफ्लाई वापस बैक, इट फ्ल्यू डाउन फ्रॉम द ट्री। सोनू डाउन जम्प्ड डाउन टू, ही चेज द बटरफ्लाई। चेज करना मतलब पीछे दौड़ना। क्या हो गया ये, पीछे दौड़ना। सोनू ने क्या किया, पीछे दौड़ा उसके। उसने क्या बोला कि मैं तुझे पकड़ के ही रहूँगा। फिर चेज किया, फ्रॉम द रोज टू लोटस एंड अप द चंपक ट्री। पहले रोज के ऊपर था, फिर लोटस के ऊपर गया, फिर चंपक ट्री के ऊपर गया। पर वो अभी बटरफ्लाई को पकड़ नहीं पाया था सोनू। ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई, सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल। फिर वो आसपास देख रहा था, लेकिन सोनू ने बटरफ्लाई को नहीं देखा। ही लुकड एवरीवेयर, वंस अगेन ही सॉ। फिर थोड़ी देर के बाद अगेन उसने बटरफ्लाई को, येलो बटरफ्लाई को, ऐसा येलो बटरफ्लाई को देखा। ऑन द ग्वावा ट्री, कहाँ पे देखा, ग्वावा। ग्वावा का मतलब होता है जामफल, जमरूक, उसको ग्वावा बोलते हैं इंग्लिश में। देर वॉज अ बिग वेब, लेकिन ग्वावा ट्री के पास बहुत बड़ा ऐसे मकड़ी का जाला था, ऐसे स्पाइडर का नेस्ट था, ऐसे देखो, ऐसे स्पाइडर का वेब था। तो वहाँ पे बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द स्पाइडर्स वेब, ऐसे स्पाइडर के वेब में वो फंस गया ऐसे येलो बटरफ्लाई। इट फ्लटर्ड इट विंग्स, इट ट्विस्टेड एंड टर्न, बट इट कुड नॉट एस्केप। एस्केप मतलब टू बी फ्री, छूट जाना। उसने उसके विंग्स फड़फड़ाए, फ्लटर करना मतलब विंग्स को फड़फड़ाना, एस्केप करना मतलब छूट जाना, पर वो नहीं हो पाया। उसने अपने आप को ट्विस्ट टर्न सब किया, लेकिन निकल नहीं पाया। द स्पाइडर वेल्ड हैड इट टाइटली, और स्पाइडर वेल्ड ने उसको बहुत ज़ोरों से पकड़ लिया था। इन द मिडल ऑफ द वेब वॉज अ बिग स्पाइडर, बहुत बड़ा स्पाइडर उसके बीच में था। एंड इट लुकड हंग्री, जो कि बहुत हंग्री था, तो बटरफ्लाई को खा जाता स्पाइडर। इट वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई, स्पाइडर को बटरफ्लाई पकड़ने ही वाला था। क्लोजर एंड क्लोजर क्राउड द ब्लैक बटर स्पाइडर, काला कलर का स्पाइडर धीरे धीरे क्राउल कर रहा है। क्राउल करना मतलब चलना, राइट, रेंगना, इसको क्या बोलते हैं, रेंगना, क्राउल करना मतलब। बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट, अब स्पाइडर, वो हंग्री स्पाइडर पकड़ ले बटरफ्लाई को, उससे पहले तो सोनू ने बटरफ्लाई को पकड़ लिया। ग्वावा के ट्री से सोनू ने बटरफ्लाई को पकड़ लिया और उसके हाथ में रख दिया और स्पाइडर से बचा लिया। सोनू ने क्या किया, स्पाइडर से उसको बचा लिया। ही कॉट द बटरफ्लाई, द बटरफ्लाई वॉज सो प्रिटी। आखिरकार सोनू के हाथ में बटरफ्लाई आ गया और बटरफ्लाई इतना प्रिटी था, येलो कलर का बटरफ्लाई था और उसके अंदर ऐसे ब्राउन कलर के स्पॉट्स थे। क्या था, येलो बटरफ्लाई में ब्राउन स्पॉट्स थे और वो बहुत अच्छा था, ब्यूटीफुल था। बट इट लुक्ड सैड इन सोनूज हैंड, पर बटरफ्लाई स्पाइडर से तो छूट गया, स्पाइडर वेब से, पर सोनू के हाथ में वो जकड़ गया तो वो हैप्पी नहीं था। स्पाइडर, वो बटरफ्लाई बिल्कुल भी खुश नहीं था।
तो सोनू वांटेड इट टू बी हैप्पी। सोनू को क्या चाहिए था? सोनू को चाहिए था कि बटरफ्लाई हैप्पी हो जाए। तो उसने गो सेड सोनू फ्लाई अवे। सोनू ने बोला चलो गो एंड फ्लाई अवे। ऐसे करके उसने बटरफ्लाई को उसके हाथ से छोड़ दिया। उसने देखा उसको रखना था बटरफ्लाई, लेकिन बटरफ्लाई सैड हो गया। तो सोनू ने बटरफ्लाई को फ्री कर दिया और उड़ा दिया। ही लेट द बटरफ्लाई गो, इट वेंट एंड सैट ऑन द रेड रोज, इट फ्लू टू द चंपक ट्री एंड देन इट वेंट टू लोटस लीफ। बराबर अब हर जगह पे वो उड़ रहा था फ्री होके। सोनू स्माइल्ड एज ही सॉ हाउ द बटरफ्लाई फ्लू मैरीली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। और सोनू बटरफ्लाई को देख के खुश हो गया, मैरीली मतलब हैप्पी हो गया वो, राइट? तो ये पूरा स्टोरी था। हमें किसी को भी कोई पकड़ के रखे वो पसंद नहीं है। अगर आपको भी मम्मी पापा बांध के रखे तो पसंद है, नहीं है ना? तो उसी तरह से बटरफ्लाई को भी पसंद नहीं होता है, तो उसको फ्री कर दिया उसने, तो बटरफ्लाई खुश हो गया। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ येलो बटरफ्लाई। नाउ गोइंग ऑन टू क्वेश्चन आंसर्स। ये सारे MCQs थे जो मैंने आपको दिए थे, और दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स, राइट? वेयर डिड सोनू सी द बटरफ्लाई? सोनू फर्स्ट सॉ द येलो बटरफ्लाई इन हिज गार्डन। How did Sonu walk to catch the butterfly? Sonu walked slowly and silently to catch the butterfly. What was there in the pond? There was white lotus floating upon the leaf in the pond. Where did the butterfly sit? A butterfly kahan kahan pe baitha tha? To butterfly sat first on red rose, champak tree and white lotus leaf, right? And lotus leaf, and lastly on guava tree. Last mein guava tree tha na. Where was the butterfly caught? The butterfly was caught in the spider's web on the guava tree, right? तो ये पांच आंसर्स हो गए, और ये मैंने हार्ड वर्ड्स आपको दिए थे जो कि आपको लिखना है दो बार और लर्न करना है। सो अब ये आप सब लर्न कर लेंगे, ठीक है बच्चों? ओके, बाय बाय चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे एंड रीड द लेसन।